हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक एंड कंसेप्ट मैं देने जा रहा हूँ उससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली भी। तो जैसे एक हाथ में पांच उंगली होती है वैसे ही यहाँ पे रफ़ी सर के पांच पॉइंट है, बस इसको आपको अच्छे समझ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट पॉइंट कि कहीं पे भी अगर वर्ड आ जाए इन्फिनाइट डाइल्यूशन वर्ड आ जाए, लिमिटिंग वर्ड लगा दे लाइक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के आगे लिमिटिंग वर्ड लग गया, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहा है, तो इन सब का एक ही मतलब है कि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जा रहा है। कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाने मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। डैट मीन्स डाइल्यूशन बढ़ाने मतलब क्या हो गया कि आपने बहुत ही ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया है या सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। तो कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाने मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, उस केस में मोलर कंडक्टिविटी पे ये हम जीरो दिखाएंगे। तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट, या फिर इसको लेमडा एम इन्फिनाइट से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए पॉइंट नंबर वन को अच्छे से समझ लेना है। पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलराश्क लॉ। तो डैट्स वेरी सिंपल, इसका ये कहना था कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी, ध्यान दें, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर लिमिटिंग केस में बात करते हैं, क्योंकि अब हमने नॉट दिखा दिया है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर आयंस, जो जो आयंस होंगे उसका होगा, और मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो आपको उसका जो नंबर है कोफिशिएंट में जो नंबर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट की, तो सिर्फ सम ऑफ देयर आयंस हो जाएंगे। डैट मीन्स यहाँ पे इस नंबर का, इस स्टोइकोमेट्री का कोई यूज नहीं। इसलिए दोनों को मैंने क्लियरली लिखा है कि ये मोलर कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एप्लीकेशन, हम इसके हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, राइट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कैसे, वेरी सिंपल, सपोज करो मुझे निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस बी माइनस, कैटायन और एनायन हो गए, जहां ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिस कैन बी रिटन एज, और इस पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन किए, आपको ए प्लस बी माइनस चाहिए, तो लेमडा एम नॉट ऑफ ए प्लस सी माइनस, और यहाँ पे लेमडा एम नॉट ऑफ डी प्लस बी माइनस। तो ध्यान से देखो, मुझे ए और बी तो मिल चुका है, ए प्लस बी माइनस, लेकिन एक्स्ट्रा कौन हो गया, सी डी, क्योंकि प्लस आ गया है तो सी डी एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो सी डी को माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू ये, जहाँ पे ए सी डी बी डी सी ये सब क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना ईजी है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, जस्ट मैनुपलेट कर करके। एप्लीकेशन नंबर टू, कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, लाइक वीक एसिड या वीक बेस का इक्विलियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कैसे निकाल सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान दें, दोनों सेम नहीं है, ये ओनली और ओनली कहाँ पर डिफाइंड है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये किसी भी कंसंट्रेशन पे डिफाइंड है। तो इन दोनों का रेशियो, चूंकि ये ऑलवेज हाई होंगे, इसलिए अल्फा ऑलवेज वन से लेस होगा। तो अगर अल्फा निकल गया तो वीक एसिड का क्या क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अगर मान लो अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन है तो हम इसको लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत सारा इसका यूज होता है। एंड तीसरा, कहीं पे भी अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया तो उसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, राइट, तो इसलिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में भी इसका यूज होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में लेमडा एम को रिप्लेस कर देना है लेमडा एम नॉट से, और मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी से। तो वी नो लेमडा एम 1000 इंटू के बाय मोलारिटी था, तो लेमडा एम नॉट से आ गया, 1000 इंटू के मोलारिटी सॉल्युबिलिटी से आ गया, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। और चूंकि यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर लेमडा एम नॉट और के गिवन है कंडक्टिविटी, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, तो फिर हम के एस पी डेट इज सॉल्ट का इक्विलियम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये तीन मेजर एप्लीकेशन है जो हम अभी यूज भी करेंगे, इसलिए ध्यान से देखना।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, के लेमडा एम और मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का वेरिएशन जो है वो इस तरीके से रिलेटेड है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी, वेयर लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन, ये एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, बी एक कॉन्स्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो जिसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप हो गया, इसलिए इसका जो कर्व होगा, इसका जो कर्व होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, और इस टाइप से चूंकि स्लोप निगेटिव है तो इसका जो भी स्लोप होगा आपका वो बी के बराबर होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी कम होगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर्व के फॉर्म में आता है, इसलिए ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन को बढ़ा करके लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं, लेकिन वीक का हम इससे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे कट करेगा, इन्फिनाइट पे जा करके, तो हम पता नहीं कर सकते, इसलिए वीक का हम निकालते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज पॉइंट नंबर 1, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इस टाइप का कर्व किसका आया, वीक एसिड या वीक बेस का कर्व जो होगा वो इस टाइप का होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट का कर्व आपका इस टाइप का होगा, ये ध्यान रखना। कहीं पे अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मालूम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है वो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, अगर एसिड होगा तो कितना H प्लस दे रहा है वही उसका एन फैक्टर, बेस होगा तो कितना OH माइनस दे रहा है वही उसका एन फैक्टर, कैटायन होंगे तो कितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर, एनायन होंगे तो उस पर कितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर, और सॉल्ट के केस में आप देख लो कि उसका टोटल चार्ज कितना है, राइट, दैट इज चार्ज ऑफ द सॉल्ट विल बी गिव यू एन फैक्टर। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन मालूम है तो इक्विवेलेंट मालूम है, क्योंकि एन फैक्टर बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है, और अगर इक्विवेलेंट मालूम है तो मोलर, तो कभी एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ईजी होगा। तो ये आपको टोटल 5 पॉइंट हमने बताए हैं, इसको आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे, एक बार आप अच्छे से देख लें। अब हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज 5×10⁻⁵ सेवन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इक्विलियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड बताना आपको, और आपको गिवन है कि लेमडा एम नॉट जो है एसिटिक एसिड का वो 400 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। तो अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ डरने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो हमें क्या पूछा है, के ऑफ एसिटिक एसिड। तो यू नो एसिटिक एसिड आपका कैसे ब्रेक होगा, चूंकि वीक एसिड है इसलिए उसका इक्विलियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो कैसे ब्रेक होगा, CH3C12 बॉन्ड O माइनस और H प्लस में, राइट। अगर मानते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C है, जो कि बाय द वे भी गिवन है, तो स्टार्टिंग में ये 0-0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा रिएक्ट होगा, तो ये सी अल्फा होंगे, राइट। तो इसलिए के ए क्या लिखेंगे आप, इक्विलियम कांस्टेंट सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक सी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें निकालना क्या है, अल्फा, तभी हमको आ जाएगा क्योंकि सी तो मालूम है। अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब अगेन लेमडा एम नॉट तो हमें गिवन है, लेमडा एम निकालना पड़ेगा, लेमडा एम कैसे निकाल सकते हैं, तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1000×K/molarity। तो इसलिए सब कुछ गिवन है, 1000×K गिवन है, यस 5×10⁻⁵ बाई मोलारिटी आपको गिवन है, यस 0.0025। तो यहाँ से आपको लेमडा एम आ जाएगा 20, राइट। तो यहाँ पुट कर दो तो अल्फा क्या हो गया, 20/400, डेट इज 1/20। अब आपको यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दो आपको आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो C, तो C कितना हो गया आपका 0.0025 इंटू अल्फा स्क्वायर, डेट इज 1/20×1/20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/20। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 66 इंटू
10 की पावर माइनस 7 में, इसलिए ऐसे पूछा था। तो x क्या हो जाएगा आपका 66। तो ध्यान से समझना कि बस क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा जा रहा वैसे वैसे आप करते जाओ, क्यों? क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 10 की पावर माइनस 5 मोलर AgNO3 है आपके पास, राइट? उसको 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr में आपने ऐड किया है, तो कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की बताना है। और ये सम नंबर इंटू 10 की पावर माइनस 8, यूनिट का ध्यान रखेंगे साइमन मीटर इनवर्स में। आपको KSP AgBr का गिवन है, इससे क्या पता लगा कि AgBr एक क्या हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ नहीं गिवन है, डेट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? और आपको सबका कैटायन का या एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे KSP AgBr का गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AgBr कैसे ब्रेक होगा सम Ag प्लस और Br माइनस में। इक्विलिब्रियम साइन क्यों लिया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 का कुछ भी नहीं दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, एक सिंगल एरो से दिखाना पड़ेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। इसका आपको कंसंट्रेशन गिवन था कितना, 10 की पावर माइनस 5 मोलर, तो राइट, तो इसके 1 मोल से आप देख सकते हो, इसका 1 मोल मिलेगा और इसका भी 1 मोल ही मिलेगा, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, इसका भी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब चूंकि Ag प्लस यहीं से ज़्यादा आया है, तो Ag प्लस का मिल गया, तो Br माइनस का हम निकाल सकते हैं वाया यूजिंग, क्योंकि इसका KSP आपको गिवन है, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। KSP आपको गिवन है, ध्यान से देखो, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन वही हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस यहाँ से हमें आ गया, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो आपको Br माइनस का कंसंट्रेशन आ चुका है, Ag प्लस का आ चुका है, NO3 माइनस का आ चुका है, डेट मीन्स सबका मुझे कंसंट्रेशन आ चुका है। नाउ वी नो कि लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलारिटी की जगह क्या हो जाएगा सॉलिबिलिटी, क्योंकि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी देंगे, बट यहाँ पे यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हमें जो भी यूनिट लेना वो साइमन मीटर स्क्वायर में, तो आपको बता रखा हूँ 1000 को नीचे कर देना है, तो लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू के बाई 1000 इंटू एस, अब यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हम सबका, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का बताना है, तो K हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट इंटू 10 की पावर 3 इंटू एस सॉलिबिलिटी, इसे लिख सकते हैं, राइट, वेरी सिंपल। अब सब काम निकाल देते हैं, तो K ऑफ अगर मैं Ag प्लस निकालूं, तो Ag प्लस का लेमडा एम नॉट आपको गिवन है, यस, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू सॉलिबिलिटी, एस का मालूम है, यस, Ag प्लस का 10 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब ध्यान दो, हमें जो आंसर देना वो 10 की पावर माइनस 8 में देना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये हमें के ऑफ Ag प्लस आ चुका है। सिमिलरली के ऑफ NO3 माइनस मैं निकाल सकता हूँ, तो के ऑफ NO3 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट NO3 माइनस का आपको गिवन है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू सॉलिबिलिटी, NO3 माइनस का सॉलिबिलिटी कितना है 10 की पावर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, डेट इज 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 8। हम सबका क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो सभी आयंस की वजह से होंगी, राइट, तो इसलिए सभी आयंस का हमें निकालना पड़ेगा। एक और कौन बच गया है, Br माइनस, तो K ऑफ Br माइनस इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट उसका गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू उसकी सॉल्युबिलिटी हम निकाल चुके हैं 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये आपका
9.2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा। इसलिए के नेट क्या हो जाएगा, के ऑफ ए जी प्लस, के ऑफ बी आर माइनस और के ऑफ एन ओ थ्री माइनस, सब हम निकाल चुके हैं, सबको जोड़ दो तो ये 7000, 6000, 13000 और 9, तो 13039 के आसपास हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13039। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक A2X3 कोई सॉल्ट है जिसका KSP गिवन है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23। कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का गिवन आपको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 7 मीटर इनवर्स। तो लेमडा एम नॉट बताना है जो x इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा, तो x की वैल्यू ध्यान दें यूनिट का मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो ध्यान से देखो, मैं सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, आप इस पे बेस किसी प्रॉब्लम को आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें जब लेमडा एम नॉट निकालना है तो डेफिनेटली आपको बता रखा हूँ सॉल्विटी में क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू, चूंकि ये मीटर स्क्वायर में तो के बाई 1000 इंटू सॉल्विटी। आप खुद ही सोचो हमें क्या मालूम है, फॉर्मूला इस चैप्टर में याद होना चाहिए। के गिवन है, 1000 तो पता ही है, एस सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या नहीं निकाल सकते हम, यस निकाल सकते हैं कैसे, के एस पी गिवेन है तो के एस पी इज इक्वल टू, ये सॉल्ट का देखो कैसे निकालते हैं, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और टोटल एस की पावर 3 और 2 प्लस 5, तो एस की पावर 5 हो जाएंगे। तो के एस पी आपको गिवेन है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 110 इंटू 10 की पावर माइनस 25, इससे क्या हो जाएगा ये 108 इंटू एस की पावर 5, तो इससे ये अप्रॉक्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मेरा एस कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5। बस अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो के आपको गिवन था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये 10 की पावर 3 और एस जो हो गया वो भी 10 की पावर माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 3 के टर्म में बताना है, तो इसलिए आपका एक्स कितना हो गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम क्लोराइड गिवन है, H2SO4 गिवन है, HCl गिवन है और बैरियम सल्फेट पूछा है। तो जिसका पूछेगा देखो ध्यान से, लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम सल्फेट मुझे पूछा है, तो ध्यान से देखो बैरियम आपको कहाँ मिलने वाला है, ये वाले में, राइट, तो मैं उसको लिख सकता हूँ लेमडा एम नॉट ऑफ BaCl2। जैसे लिख दो, सल्फेट मुझे कहाँ मिलने वाला है, वो ये वाले में, तो प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H2SO4। ऐसा करने से क्या हो गया, बैरियम आपको मिल चुका है, सल्फेट आपको मिल चुका है, राइट, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ आ चुकी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा लेमडा एम नॉट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl, ध्यान दे 2 टाइम्स ऑफ HCl मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट, तो आपको सब गिवन है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, एक HCl का आपको गिवन है 426, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 288। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ध्यान दें कई बार पूछे गए, कभी ऐसे ही पूछ लेगा कि अगर मुझे इसका निकालना है तो 2 दे दिया है तो और तीसरा कौन रिक्वायर्ड होगा, इस टाइप के भी, मतलब इस पे बेस बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और वेरी वेरी सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लेमडा एम नॉट NaCl HCl NaA आपको गिवन है और कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 HA इज गिवन टू यू, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो ध्यान से देखो वही चीज़, अल्फा क्या होता है, लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट, अब आपको क्या मालूम है, तो लेमडा एम यहाँ से निकल सकता है, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना, और लेमडा एम नॉट यहाँ से निकल सकता है, तो लेमडा एम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 1000 इंटू के बाय मोलारिटी से, राइट, 1000 इंटू के आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, मोलारिटी आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा आपको 50। और लेमडा एम नॉट कैसे निकाल सकते हैं, तो यूजिंग के एल लॉ, राइट, कैसे, तो ध्यान से देखो मुझे एच ए का चाहिए लेमडा एम नॉट, एच ए का चाहिए तो एच कहाँ है, यहाँ पे, और ए का है यहाँ पे, मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ एच ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ एच सी एल प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ एन ए ए, इससे मुझे क्या मिल गया, एच और ए, एक्स्ट्रा कौन हो गया, एन ए सी एल, तो माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl, तो ये यहाँ से करोगे,
तो 525 माइनस 125 तो ये कितना आ जाएगा आपका 400 फाइनली। सारी वैल्यू को पुट कर दो तो अब आपको क्या निकालना है अल्फा, तो पुट कर दो यहाँ पे 50 बाय क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 1/80 डेट इज 0.125, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो ध्यान से देखो ये ग्राफ जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है, KNO3 आपका सॉल्ट है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, तो ये ग्राफ डी का है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.1 मोलर सबका लिया गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज़्यादा H प्लस देगा, ज़्यादा आयन आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड आपका कौन हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, और बेंजोइक एसिड कौन हो गया आपका बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, तो सिंपल इसको ऑर्गेनिक से भी कर सकते थे, यहाँ पे सब में ये चीज़ें कॉमन है राइट, तो आपको मालूम है इसका कोई इफेक्ट नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा राइट, उसके बाद सेकेंड नंबर पे बेंजोइक एसिड होगा और थर्ड नंबर पे एसिडिक क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा राइट, तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा ए फिर सी फिर बी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से पूछा गया था कि आपको लेमडा एम वर्सेज रूट सी ग्राफ डिफरेंट सॉल्ट के लिए गिवन था और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए कौन होगा और बी कौन होगा, तो यहाँ पे जो बच्चों से गलती होती है उसको ध्यान से देखो कि Cl- तो कॉमन है डेट इज ओके, उनको लगता है कि Na+ छोटा है तो ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, तो इसलिए वो ग्राफ ए को कर देते हैं NaCl के लिए, जो कि हो जाएगा रॉन्ग, कि Na+ का साइज छोटा होने की वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर एक्चुअल जो होगा वो ए आपका KCl के लिए ग्राफ है और बी आपका NaCl के लिए ग्राफ है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में और भी सिंपल कि अगर NaCl के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनफिनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा इनफिनाइट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेशन क्या होगा, तो वी नो लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू रूट सी, तो ये हो जाएगा डेट इज डिबाई रूल राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लेमडा एम नॉट ऑफ अगर आपको सोडियम एसीटेट गिवन है, लेमडा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है, तो एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, तो एसिटिक एसिड मतलब ध्यान से देखो CH3CO आ चुका है, H आ चुका है, तो एक्स्ट्रा कौन हो गया NaCl, तो इसलिए हमें क्या चाहिए लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो बहुत इजी है अगर आपने हमारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओगे तो आयनिक मोबिलिटी आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से उनके बीच टक्कर बहुत ज़्यादा होगा राइट, डैट मीन्स रैंडम मोशन की वजह से उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लेमडा एम वर्सेज रूट सी ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं लेमडा एम इन्फिनाइट राइट, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग का निकाला जा सकता है बाय एक्स्ट्रापोलेशन, बट वीक का हम नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रापोलेट करके, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो सबका अल्फा क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि डेल्टा एस हम एंट्रोपी को सेल के EMF से कनेक्ट कर सकते हैं, जो एंट्रोपी होगा चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस वो NFdE/dt डैट मीन्स पोटेंशियल का वेरिएंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है टी टेम्परेचर है, तो इसलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस में NFE राइट, तो और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको DE/dt दे देगा, तो NF मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा S आ गया यहाँ पे
टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा जी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको डेल्टा एच पूछ ले। तो थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट कि डी बाई डी टी जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा रिफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाएगा। डैट मीन्स सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर सेल का पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है तो अभी सी बात है वो अच्छा रिफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। तो ये सब चीज़ें रटना नहीं, एकदम फील करते हुए समझते हुए। और एक और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 कि कंडक्टिविटी, ध्यान दें कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतना ज़्यादा होंगे। बट मोलर कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर दे तो फिर वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली अगर बढ़ाएंगे तो वो कम होगा। और ये दोनों अगेन वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये कंडक्टेंस वाला पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इसके सारे प्रॉब्लम को अच्छे से कर लें तो आपका सभी प्रॉब्लम हो जाएंगे। थैंक यू।